हेलो एवरीवन, तो दिलीप कुमार, जिन्हें हम ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में राज किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार का पहले नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, और जब ये इंडस्ट्री में आए तो देविका रानी के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया था। 1940 से ये सिनेमा में है, लेकिन 1944 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म की ज्वारभाटा, पर असली पहचान उन्होंने फिल्म जुगनू से पाई। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, और हम सभी जानते हैं कि पिछले साल जो है दिलीप कुमार ने अपनी आखिरी सांसें ली, और अब 11 दिसंबर को उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर PVR और आईनॉक्स में उनकी फिल्में फिर से लगी है। उनकी स्क्रीनिंग रखी गई है देश भर के 27 शहरों में, जिसमें रायपुर भी शामिल है। तो अगर आप भी दिलीप कुमार या फिर सिनेमा के फैन हैं, तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना ना भूलें।